हेलो, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना, खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम एहसान है मौलाना। जी, एक सवाल करना था मौलाना। बिल्कुल एक पूछिए। मुझे यूट्यूब जी यूट्यूब चैनल पे एक पाकिस्तानी का कोई मौलाना थे, तो जी वो फरमा रहे थे कि हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जो 10 आदमी की जो सूरह बनी थी, और उस दिन से लेके आज तक मौलाना साहब साहब मौलाना जगर हसन तक कोई अमीर तय नहीं हुआ था, क्या सही जी बोले थे वो? बिल्कुल गलत बात है ये। और 128 मिनट का है वो, इमारत वाले थे और शायद वो गुजरात के, और वो 4 महीने की जमात मुंबई में चल रही थी उनकी, तो उसका 128 मिनट का था कि मौलाना साहब साहब को और मौलाना जगर हसन साहब को और मौलाना एजाज साहब रहमतुल्लाह अलैह को 10 आदमी नहीं आए थे, मतलब 9 आदमी, एक तो हाजी क्या उसका नाम है पाकिस्तान वाले का, वो नहीं आ पाए थे, जिनकी मौजूदगी में मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह ने तीन तीनों को फैसल बनाए थे। अब जी जब वो फैसल बनाए थे तो पहला तो हजरत मौलाना अजहर साहब बने हुए थे, तो कुछ महीने में तो उसकी इंतकाल हो गई, फिर जी मौलाना जगर हसन साहब रहे 2014 तक, फिर ऑटोमेटिक तो मौलाना सादिब बने, तो अब उनके ऊपर न जाने कैसे कैसे लोग बोल रहे हैं उसको किसने अमीर बनाया। तो हमें हमारा भाई है मौलाना परवेज साहब मुजाहिरी, ठीक, जी वो हमारे पास आए हुए थे, तो इसी व्हाट्सएप पे मैं आपका मैसेज पढ़ रहा था, मैं जी वो आपका आइस वॉइस में सुन रहा था, तो आपका वॉइस वॉइस तो बिल्कुल, मैं पहले बोला था कि सबको बहुत अच्छा लगता है, ठीक जी है, दिल से सुनते हैं, कोई काम जी रहता भी है तो मैं आपका सुन लेता हूँ, फिर बाद में दूसरा काम करता हूँ, जी तो वही मैं सुन रहा था, तो आप मौलाना साहब के बारे में जिक्र फरमा रहे थे, तो उसने ये हमको कहा कि वो मौलाना साहब की जो डिग्री नहीं मिला है पढ़ने का। ये सब गलत बात है। इसी को कहते हैं शख्सी हमला, जो मैंने अपने सबक में कहा ना, शख्सी हमला। ये ऐसे ही दलील नहीं है, हजरत जी मौलाना साहब साहब का मुकाबला नहीं, ये शख्सी हमले है। ये बोहतान लगाना, किसी की जात को नीचा गिरा के बताना, ये शख्सी हमले है। ये तो जी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये तो गीबत, बोहतान और सारी चीजों में इसका शुमार होता है। क्योंकि वो जो उसका उस्ताद है ना, वो मौलाना साहिद साहब नहीं हैं। नहीं बोलना चाहिए, हमने भी नहीं तस्करा करना चाहिए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कोई हक नहीं है हमको किसी के पर्सनल लाइफ पे बात करने का, इसलिए कि कुरान में फरमाया, इज्तनिबू कसीरा मिन अज़्ज़न इन बादा ज़न्नी इस्म वला तजस्सुसू वला यक्तब बादुकुम बादा। इसलिए ये तमाम चीजों से हमने बचना चाहिए। जी, और आपका जो वो 585 का जो आपका किस्सा आया हुआ था, जो जी आज जी मैंने सुना, तो एक आदमी ने उसका सात सौ रिएक्शन कर दिया। पचासी हाँ, तो एक आदमी ने मुझे साइड में मतलब पर्सनल में आकर के बोला, देखो मौलाना अकबर हाशमी को मना करो इस तरीके से पोस्ट ना करें। बोला यार पोस्ट ना करे, आप लोगों का जबड़ी तोड़ रहा है वो, ठीक है, जो हक बात है ना वो हक बात आपको आपके सामने ला रहा है वो, जी तुम तो कुएं के मेंढक की तरह हो, कुएं से बाहर तो निकलो जी फिर जी बाद में चले, ये मेंढक की तरह जो लोग बाहर निकलते हैं, जब उनके हकीकत लेते हैं फिर उसको पता चलता है, नहीं मौलाना साहब बिल्कुल सही हैं, हम जी गलत बेशक हैं, बेशक बेशक क्योंकि बेशक वो मौलाना शाहिद साहब एक एक जो सहारनपुर के हमारे दोस्त हैं, जी उसने फोन किया था कि भाई लड़ाई आप लोगों को अब तक समझ में नहीं आया। बोला जी क्या है? बोला कि मौलाना जहूरुल हसन मौलाना जबर साहब का बेटा जी मौलाना साहिद का दामाद है, जी और मौलाना सलमान साहब मुजाहिरी का दामाद मौलाना साहब साहब है, जी तो इन दोनों में लड़ाई इस चीज की हो रही है कि मौलाना जहूरुल इस्लाम को मरकज का अमीर बना दिया जाए, ठीक जी है, और फिर मौलाना सलमान साहब फरमा रहे हैं कि नहीं मौलाना साहब ही होना चाहिए, क्योंकि उनको एक पुराने जमाने के लोगों ने बना रखा है, जी और मौलाना साहब के अंदर वो सारे खूबियां हैं जो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के पास थे, जी उसकी जिम्मेदारियां वो लेके आराम से लेके चल सकते हैं, तो इस जी चीज की जी लड़ाई है जो कि मौलाना शाहिद साहब, उनका भाई क्या उसका नाम है मुफ्ती साले साहब, और जी उनके दो भाई मिल करके इतना फितना फैलाया कि उसके साथ फिर मौलाना अहमद लार को भी जोड़ लिया, फिर जी वो लेकर के रेवन तो आज से नहीं, वो तो हजरत जी इनामुल हसन के जमाने से चल रहा है ना जी 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 उनका जो उसका, तो उसको पाकिस्तान को तो हम नहीं ले सकते हैं, तो हम इंडिया के, फिर उन लोगों ने फितना फैलाना बेशक शुरू किया, बेशक फिर उसके बीच में यासिन नवाती ने भी कुछ कर दिया, फिर जी मुफ्ती वजाहत कासिमी ने भी उनके साथ नमक हल्दी मिर्च लगा दिया, जी जी जी
उसके साथ में फिर मौलाना अशरफ मदनी साहब भी आ गए जी, सही है, क्योंकि अभी फिलहाल में 27 तारीख को गए, महीने के नवंबर की 27 तारीख की हमारे गांव में उसका जस्तार बंदी था जी, हम लोग का, तो मौलाना अशरफ मदनी साहब आए हुए थे जी, जब हम लोग की दस्तार हो रही थी तो उसके बीच में हमने उसको बोल दिया, बोला हजरत मौलाना साहब के बारे में क्या कहते, तो इतना जोर से डांट दिया वो जी, बोला कम रखा दस्तार लेने आए मौलाना साहब की हमायत में आए हो जी, बोला नहीं हजरत फोन पे तो बातें होती हैं लेकिन आमने सामने हो जाते तो और अच्छी बात हो जाती, बोले नहीं नहीं इसका कोई मौजूद नहीं है भाई, तुम्हारा साथ ही अमीर है बस जी जी, ऐसे बोल दिए वो। दोबर के वो इतना फितना फैलाना मौलाना, सही में कहता हूँ कि मौलाना अरशद मदनी साहब अगर देवबंद में आधे घंटे के बयान नहीं करते और उसको बड़ा बुरा भला मौलाना साहब को नहीं कहता तो इतना बड़ा फितना नहीं होता, और जब वही वही से फितना शुरू हो गया है, जिसे आपने कहा है ना सुअर जी, हकीकत में सुअर से निकला है सूरा, हकीकत में एक साथी से मैंने बात किया तो कसम से जी सुअर से निकला है सूरा जी यार, एक जब जो मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड में सूरा कोई जानता नहीं है, सूरा क्या है जी, मैं बिहार में गया बिहार में भी पता नहीं सूरा क्या है जी, फिर ये सूरा आया कहाँ से, अब मैं अब वो सूरा सूरा बस है तो उनके ऊपर अमल तो नहीं कर हमारे सकते ना, पूरे महाराष्ट्र में हमारे किसी गांव में देहात में तालुके में किसी को भी पता नहीं है ये फितना क्या है, लेकिन ऐसी से दलाइल देते हैं वो यार, वो समझ से बाहर हो जाते हैं जी, तो यहाँ से वो ला रहा है वो ये यहाँ से पेश कर रहा है फिर वहां से पेश कर रहा है जी, तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों को तैरना आता नहीं है, मौलाना साहब को तैरना आता है, जो तैरेगा वही समुन्द्र में जाएगा ना जी जी बेशक, तो मौलाना साहब पढ़े हैं और एक साल नहीं पढ़े हैं, उनकी परवरिश ऐसे ऐसे हजरात से हुई है, जो आपने कहा नहीं कि आज से 16 साल पहले हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह अली का किताब हमारे पास, वो पहला जिल्द हमारे पास मौजूद है जी, तो उसका पहला उस्ताद मुकर्रम वो है जी, फिर हजरत मौलाना अबैदुल्ला साहब बिलयावी है ना दूसरा सेकंड नंबर पे जी, जी जी जी, तो ऐसे ऐसे हजरात से उन्होंने तालीम हासिल की है, ऐसा तो कोई मतलब तो नहीं है ना हजरत मौलाना के दारुल देवबंद में ही पढ़े तो आलिम का दर्जा मिले हमको, सनद मिले, हम अगर अक्ल कुआं पढ़े तो कि हमको आलिम नहीं बोलेगा, नहीं बिल्कुल, कहीं पे भी आपने दर्स निजामी की तकमील की हो काफी है वो, तो वो फरमा रहे हैं कि नहीं जब तक दारुल देवबंद को सनद ना मिले तो वो मौलाना नहीं है, ये तो जबरदस्ती की बात है ना जी 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 तो वो आपका ये वाला पोस्ट और मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, 19 मिनट का था जबरदस्त लगा वो, और वो फोटो वोटो के बाद मौलाना नहीं नहीं कसम से जितना भी आपका जितना भी स्टार्टिंग का तो पता नहीं था मुझे, लेकिन आपका टेलीग्राम का चैनल का जितना भी है सब एक से लेकर पूरा आज तक का मैंने सारे को सारे मैंने डाउनलोड किया है जी, जज़ाकअल्लाह खैरा, और मैं चाह रहा था कि आपका मैं बयान में पोस्ट करूं तो माशाल्लाह आप खुद ही कर रहे हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपका नाम ऐसे ऐसे जगहों पे चला गया है, एक आदमी ना सऊदी अरब से फोन किया था वो मेरे ग्रुप के अंदर है जी जी जी, ये मौलाना अकबर हाशमी कौन है, बोला खुद बात कर लो ना नंबर है उनके पास जी, बोला यार वो कमाल का इंसान है लेकिन आपका फोटो भी लगा हुआ रहते है ना, बोला यार फोटो से जैसा लगता नहीं है वो लेकिन उसकी आवाज में अल्लाह ताला ने बहुत कशिश रखी है, बोला भाई अल्लाह वालों को ही कशिश देते हैं तो आज से नहीं बड़े बड़े मुफ्तिया, एक मुफ्ती है मुफ्ती मुबशर साहब जी, तो उनसे भी मेरी बात भी यही बात बोले, वो बोले नहीं भाई हजरत जी को बनाया गया है वो ऑटोमेटिक बने नहीं है जी जी जी, और हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह ने सूरा में पर्सनल उसको लिया जबकि सबके उम्र में वो सबसे छोटे थे वो जी जी जी, बोला इतना होने के बावजूद अब लोग क्यों ऐसा उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, मतलब बस उसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई मौलाना, सही बात ये है ना लोग अपनी आखिरत को बिगाड़ रहे हैं वो, बेशक सही बात है अपनी आखिरत को बिगाड़ रहे हैं, आज तक सब ने फतवाबाजी लगाया लेकिन मौलाना साहब सब ने एक ही बात कहा सबर से काम लो बस जी, तो सबके साथ इनके ऐसे ऐसे हालात आई हैं और हालात से अगर हम लड़ेंगे तो हो गया मेरा काम, मुझे दुनिया भी बनानी है और आखिरत को भी बनाना है बस जी जी बेशक, और वो बात हमको समझ में नहीं आता है कि मौलाना साहब का वो बयान
जो सहन कर देते हैं 2 सेकेंड, दो मतलब 25 सेकेंड का, 40 सेकेंड का, 1 मिनट का, तो 1 मिनट में या 30 सेकेंड में क्या समझ में आएगा? कहीं उसका 2 घंटे का, 2.5 घंटे का उसकी बयान होती है, जब तक हम पूरे बयान नहीं सुनेंगे तो बात समझ में तो नहीं आती ना। बेशक इस तरीके से। और खाना वाना हो गया आपका? बस अभी खाना ही खा रहा था मैं तो आपका फोन आया। अच्छा, तो मैं खाना खा करके ही आपसे मैंने बात किया, मैंने सोचा कि हजरत ने तो खाना खा लिए होंगे, लेकिन आप तो मसरूफ इंसान है ना। जी जी। लेकिन ये आप वाइट करते कैसे हैं? बस ये सब अल्लाह ताला का फजलो करम एहसान है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वक्त को जाये और बर्बाद नहीं होने देता, एक साथ दो दो तीन तीन काम करते रहता हूँ एक ही टाइम में। अच्छा। और मेरी ऐसी बैठक नहीं है, दोस्ती नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, और ऐसा फजूल टाइम पास करने के लिए कोई है नहीं मेरे पास। क्योंकि जब मैं हकीकत में गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका कोई भी बयान सुनता हूँ तो हमारी हलक का जो थूक होता है ना सूख जाता है, मुझे पानी पीना पड़ता है। जी कसम से गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि हदीस में लिखा ना किसी का सामने किसी का तारीफ कर उसके मुंह में खाक हो। जी 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 नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपके फीलिंग्स को। जी हकीकत में हलक हमारा सूख जाता है। आज मैं खाना खा रहा था और आपका वही सुन रहा था, मैं और हमारे है रिश्तेदार है दोनों सुन रहे थे। अब वो भी मौला साहब का फेवरेट हो गया है अच्छा उनका ही। हाँ उनका भी वो सुनते रहता है वो। जी 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 जब से आपका सुना है कि मौलाना साहब ये कौन है, बोला ठीक है टाइप करो यूट्यूब पे मिल जाएगा वो सारे। जी और जब उसी का देख रहे, वो पहला वो मौलाना तारे जमील साहब का था, जी लेकिन मैं भी मौलाना तारे जमील साहब को ना हकीकत में दिल से निकाल दिया था, लेकिन जब से फिर उसने कहा कि फिर मौलाना साहब के फेवरेट में आने लगे हैं फिर उनको हम मानने लगा हूँ। अच्छा। तो पहले नंबर पे तो हमारे हजरत जी मौलाना साहब साहब हैं जी 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 और दूसरे नंबर पे आप हैं। नहीं सही नहीं में भाई मुझे इतना बड़ा मर्तबा मत दो मौली साहब। नहीं, ये मर्तबा की बात नहीं है, हकीकत में दिल से बोल रहा हूँ। एक बार 3 महीना पहले आपसे बात हुई थी ना, 3-4 महीना पहले, हाँ तो जी आपका बयान हम सारे फैमिली बैठ के सुनते हैं। और एक बार मैं आपको बोला भी था कि हमारे अब आप से बात करना चाहते हैं, हाँ लेकिन याद है मुझे। जी 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 बिल्कुल। फिर ऐसा मौका नहीं मिला। आपका जो अच्छे चीज मुझे मिलते हैं ना तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ बुक में, अच्छा, जज़ाकअल्लाह। क्योंकि वो कभी न कहीं न कहीं तो दलाइल का काम तो आएगा ना। जी 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 इतना हदीस कहाँ से लेके आएगा कोई भी, दलील मांगेगा तो कहाँ से लेके आएंगे, बोला ये दलील ले भाई। और आप लोग जो बात करते हैं तो हदीस कुरान से अलग क्यों करते हैं? जी जी मौलाना देखो आप फोन आ रहा है किसी और का, तो अब मुझे आपसे बात मुनक़ता करना पड़ेगी। जी बिल्कुल 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 जी 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 दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त आपसे। जी इंशाल्लाह आपसे भी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह।